नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए 26 12 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी, उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। इससे पीछे हमने 2022 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उस प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं, जो चैनल पे अवेलेबल है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चैनल पे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, उस पे आप जाके जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो बना है दरोगा में, वो सभी प्रश्नों का वीडियो जो है आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा गया था, और एक और नोटिस है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा जो 2023 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये 17-12-2023 को होने जा रहा है, 2023 संडे को होगा और ये दो पाली में लिया जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दो शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होना है 17-12-2023 को, ठीक है, संडे दिन पड़ता है। तो 2021 में क्या क्या प्रश्न बना था उसका डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बना था कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबल दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में 2021 में नोबल दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। और अभी जो है अगर ये प्रश्न 2023 के संदर्भ में पूछ ले तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉन ओलाव फॉस। जॉन ओलाव फॉस कहाँ का है? नॉर्वे का, नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अभी के संदर्भ में? जॉन ओलाव फॉस, जो नॉर्वे से संबंधित है। तो आपको एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में नोबेल प्राइज से एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए इसके बाद का जो नोबेल है उसे ध्यान में आप एक बार रख लीजिए। नोबेल में किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में। उसके बाद शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में मिला है नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की रहने वाली है। उसी प्रकार भौतिकी में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद केमिस्ट्री में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में। उसके बाद चिकित्सा में दिया जाता है, मेडिकल साइंस में। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। कितना सब्जेक्ट हो गया? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 संदर्भ में ये जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। इसको एक बार गूगल की सहायता से ध्यान में इसको रख लीजिएगा। तो साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? जॉन ओलाव फॉस, नॉर्वे के रहने वाले हैं, उसको भी दिया गया। और शांति के क्षेत्र में मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की रहने वाली एक पत्रकार है, ठीक है। और भौतिकी का मिला है पियरे अगस्टिनी और फेरेंक क्रॉस, फेरेंक क्रॉस। और एक और मिला है पियरे पियरे ऑगस्टिनी। तो दो पुरस्कार जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये सब में भी दिया गया। इसको आप 2023 में जिसको मिला उसको गूगल के सहायता से एक बार लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इससे एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो पे आ जाए। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि को क्या कहा जाता था? तो इस संधि को जो है नॉन किंग के नाम से जानते हैं, नॉन किंग, नॉन किंग, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि ओरु नोडोई और नोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चार पे आ जाए। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? ये 1962 में शामिल किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, तो एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर छः पे आ जाए। चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी, चेन मैंग किस स्पर्धा की
चैंपियन खिलाड़ी है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। इससे भी आपको एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा, जैसे खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस खिलाड़ी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं कि किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो पहला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आवेश। धारा नियम जो है आवेश, धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, वही किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है ऊर्जा पर आधारित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। FIT निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेलकूद मंत्रालय के द्वारा ये जो है स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था 1983 में, तो ये किया गया था एली लिली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा। बुक से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, बुक एंड ऑथर से भी आपको एक नंबर का प्रश्न आपको अनिवार्य है जो एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है। तो सोनार को साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का, सोनार को क्या कहा जाता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, अनुक्रम को पूरा करना, देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ जेड है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ टी है, यहाँ क्यू है, यहाँ से पकड़िए, ए को 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12, यहाँ प्लस 2 का बढ़ा दिया है, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद प्लस 4 किया गया है, और उसके बाद प्लस 4 के बाद प्लस 5 किया जाना चाहिए, तो यानी कि 17 आएगा। तो 17 दो ऑप्शन में है, या तो इस बी होगा या तो सी होगा, ये दोनों तो होगा ना। अब आ जाइए, ए को डी लिखा जाता है, यानी कि प्लस, ए को डी लिखता है तो यानी कि प्लस 3 बढ़ा दिया, डी को जी लिखते हैं तो जी में भी प्लस 3 कर दिया, जी को जे लिखते हैं तो प्लस 3 हो जाएगा, और जे को प्लस जब 3 करेंगे, जे का स्थानीय वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, और ये 13 आ जाएगा, तो 13 के स्थान पर एम आएगा, तो अब एम देखिए, तो एम 17 के साथ एम इसमें है, तो डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, निम्नलिखित निम्न में से पानी में कौन सा धातु मिनमाता रोग का कारण बनता है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनमाता रोग का कारण बनता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पारा, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, ये भी रीजनिंग का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग से आपको रीजनिंग और प्लस मैथ से आपको PT के एग्ज़ाम में बिहार SI में कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कम से कम 5, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 5 तो मिल ही जाएगा। तो इसमें लुप्त संख्या का पता लगाना, इसमें देखिए क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर -1 किया गया, तो 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना आएगा, 0, यहाँ देखिए, ओ सॉरी 1 का क्यू, 2 का क्यू -1 करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ देखिए 3 का क्यू किया गया है और -1 किया गया, यानी कि 3 का क्यू में से 27 में से 1 अगर घटाते हैं तो 26 आएगा। उसी प्रकार 4 का क्यू किया गया और -1, 4 का क्यू 64 हो जाएगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो 63 आएगा, तो
तो यहाँ 5 का q माइनस 1 होगा, यहाँ 6 का q माइनस 1 होगा। मेरा पेंसिल वर्क थोड़ा कम कर रहा है, तो 6 का q माइनस 1 होगा, तो इसमें क्या होना चाहिए, 7 का q माइनस 1 होना चाहिए। तो 7 का q कितना होता, 7 का q हो जाएगा 343, और इसमें से एक घटाना है तो 342 इसका सही उत्तर होगा, 342 सी आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, गंधार कला शैली समन्वय, गंधार कला शैली समन्वय है, तो इसका क्या हो जाएगा, भारतीय और ग्रीक कला का, भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, भारत का की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी, तो इसका सही आंसर बन जाएगा परभनी महाराष्ट्र में। देखिए इससे पीछे जो है हमने मेंस का जो पेपर हुआ है बिहार दरोगा का, उसका डिस्कस किए हैं, जो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से चैनल पे प्ले लिस्ट हम बना देते हैं, वहाँ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक दरोगा में बना है उसका सभी का वीडियो आपको एक जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को है, चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम को है और भारत में प्रथम स्थान, और विश्व में पूछ ले कि कौन स्थान है भारत का, तो विश्व में भारत का चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है, वही प्रथम स्थान पे है विश्व में चीन, चीन को प्रथम स्थान प्राप्त है चाय उत्पादन में, और भारत को दूसरा स्थान हासिल है, और भारत में असम को प्रथम राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, 19 पे आ जाए, निम्न नाभिकीय 6 में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर कर दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर बन जाएगा बीटा गामा और अल्फा, बी आंसर बनेगा, ओ सॉरी बी नहीं डी आंसर बनेगा, बीटा अल्फा और गामा। क्वेश्चन नंबर 20 का अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा सुमंगल जो है स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 करा, दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है, दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समावयावी एकता, समावयावी एकता। देखिए ये क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी से पूछा गया था, सोशियोलॉजी 10+2 का क्वेश्चन है, यानी इंटरमीडिएट का सोशियोलॉजी का ये प्रश्न है, ठीक है। तो कभी कभी एक प्रश्न कहीं से भी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्णा सोबती को, लेकिन अभी जो है ये क्वेश्चन बनेगा आपका 2023 के संदर्भ में, तो कोकनी भाषा में मिला है, इसको याद रखिए कोकनी भाषा में दिया गया है, किसको, दामोदर माऊजी, दामोदर माऊजो, दामोदर माऊजो को दिया गया है कोकनी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे मिला है, तो कोकनी भाषा में दिया गया है दामोदर माऊजो को। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए कि 23वें 2024 में जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाना है, या 23वें 2024 में ओलंपिक खेलों का मेजबानी किस कौन देश जो है करने जा रहा है, तो ये करने जा रहा है फ्रांस में, कहाँ, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई थी, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, तो संघीय न्यायालय का जो स्थापना है भारत में ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया।
क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए, देखिए वीडियो अगर आपको वीडियो बड़ा बन जाता है तो इसको 2x करके देख लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 करा, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था, अशोक चक्र का शौर्य पुरस्कार किस वर्ष से देना स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है शौर्य चक्र का जो पुरस्कार है ये 1952 से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए, पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, देखिए बुक और ऑथर, ऑथर इससे आपको एक प्रश्न बनेगा, उसे हम इस चैनल पे बुक और ऑथर से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना के चैनल पे डाल देंगे वीडियो। तो क्वेश्चन 27 करा है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन थे, कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिजीता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन इसको रीजनिंग या मैथ के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसमें आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको n इंटू एन माइनस वन बाय टू, एक फार्मूला होता है, n के जगह आप 10 रखें, 10 माइनस वन बाय टू, टू से इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, और इधर 5 गुने 9 यानी कि 45 इसका सही आंसर आएगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए, शांति स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, शांति स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए, राष्ट्रपति को अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है ये अनुच्छेद 130 में इसका वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए, यूटोपिया का लेखक कौन है, यूटोपिया का लेखक कौन है, तो इसमें से हो जाएगा थॉमस मोर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, स्टेटिक जीके हो गया, इसको क्या बोलेंगे, स्टेटिक जीके, स्टेटिक जीके से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये जो है स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉलर, सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन था, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के लिए के उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक मिशन, ये क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स प्लस करेंट में भी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का करेंट। क्वेश्चन नंबर 35 करा है, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, वह है 35 का क्या हो जाएगा, स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है इसको, स्टीमिंग, आई थिंक ये होम साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये जो है बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो इसमें क्या रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा।
क्वेश्चन नंबर 38 करा, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है भाग 4 में है, भाग 4 के अनुच्छेद 51 में किया गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में। तो इसके द्वारा इसको जो है मौलिक कर्तव्य को जो है शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए कि जहांगीर के शासनकाल में, मेडिवल हिस्ट्री, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की खिताब से नवाजा गया था? जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए, दूध में उपस्थित शकरा है, साइंस का क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शकरा है इसको क्या बोलते हैं? इसको लैक्टोज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए, फजल अली आयोग संबंधित है, फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग जो है राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो है जुलाई 1956 में पास किया गया था। उस समय में जो है 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ था, और राज्य पुनर आयोग, राज्य के पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? मैथ का क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग, तो इसमें पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा इसको आप निकाल के देख लीजिएगा। तो फर्स्ट आंसर इसका बनेगा 93 को आप 93 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 57 54, हासिल 5 और 99 81 5 86, इसका कितना होएगा 93 का स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 43 करा, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो ये जो है ऑडोमीटर के द्वारा दूरी का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 करा, अपूर्वी चंदेला का संबंध है, अपूर्वी चंदेला, देखिए हमने पहले भी बोला है कि नाम दे देगा और पूछेगा ये किस खेल से संबंधित है, इस टाइप का प्रश्न आपको बनेगा एग्जाम में, तो ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब तो भारत का वायसराय कौन था? अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ हो और दूसरी को न लाभ होता हो न हानि हो को क्या कहा जाता है? ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति दूसरी को न लाभ हो न हानि हो, इसे किस इसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहेंगे, इसको सहभोजिता बोलते हैं, सहभोजिता। अब इसको किस सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा? आई थिंक इसको भी सोशियोलॉजी के ही अंतर्गत रखा जाएगा, समाजशास्त्र। कन्फर्म हम नहीं है कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, अगर आप कन्फर्म है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का, निम्नलिखित में से रामसर प्रस्ताव संधि, रामसर साइट प्रस्ताव संधि, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन जो है ये जो है आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है, 47 का आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है।
भारत में अभी तक लगभग 74 या 5 रामसर साइट है। इसको एक बार गूगल का आप सहायता ले लीजिएगा। टोटल रामसर साइट जो है भारत में अभी 74 या 5 के करीब है, या 47 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? तो इसका नाम जो था रायगढ़ था। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए। सौर सेल, फिजिक्स का क्वेश्चन, बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। क्वेश्चन नंबर 50 करा। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा स्प्रे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, स्प्रे फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। और HAL का स्थापना जो है, HAL का स्थापना जो है ये हुआ है 1940 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय पूछ ली तो बंगलोर में, इसका बंगलुरु में इसका मुख्यालय। क्वेश्चन 52 कर रहा है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? अपघटक का। क्वेश्चन 53 करा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कितना? तो अभी तक 21 परमवीर चक्र जो है दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है। इसमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, इसमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो ये हो जाएगा ल्यूसीन। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो इसमें जो है भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है, विवाह सदस्य के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 करा है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षीय है? एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षीय है, तो ये क्या हो जाएगा 56 का? तो इसका हो जाएगा IgE, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में के राइबोसोम्स क्रमशः, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः क्या होता? तो 80S होगा, 70S होगा एवं इसका भी 70S होगा। देखते हैं कौन सा उत्तर में हो है इसका। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 करा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है ये अमेज़न के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए। फोलेटी का क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय
राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया था, इसमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो वन और स्थानीय सरकार। पांच समवर्ती सूची में पांच विषय शामिल किया गया था, एक तो किया गया था शिक्षा, एक वन, एक हो जाएगा वजन और माप, एक हो जाएगा वन्य जीवो एवं पक्षियों का संरक्षण, एक हो जाएगा पचमा न्याय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए, 61, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली ट्रेन 10:10 पे जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9:50 पे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो ये जो किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए, ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल में। क्वेश्चन नंबर 64 करा है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है जो किस राज्य में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सही तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 65 करा है, क्वेश्चन नंबर 65 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माता कौन है? गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माता कौन है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, ये प्रश्नों का आपको सॉल्व करना, मैथ का क्वेश्चन है। 642.5 ऊपर अशांत दिया गया है गुने 7 बराबर है, ये जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6425 माइनस 642 बाय 9 गुने 7, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 44.97.8, यानी कि आपका डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको जो है नियंत्रक छड़ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? वेबर का अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? 68 का क्या हो जाएगा, नौकर शाही। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाए, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या, भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या मतलब होता है?
शून्यकाल का जो मतलब होता है ये है प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए, पूरा, PURA का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए, इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण पूरा किससे है? तो इसका सही आंसर बन जाएगा प्रवासी मजदूर से। क्वेश्चन नंबर 72 करा है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश दिया गया है। तो मेरठ षड्यंत्र केस में ये जो है शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 73 करा है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, अपने बोला है स्टेटिक जीके से आपको प्रश्न मिलेगा, तो ये प्रश्न है स्टेटिक जीके से। तो नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 74 करा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है किया गया है? तो इसका सही आंसर बन जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन परसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो इसका सही आंसर बन जाएगा रूस। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 76 करा, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से समूह का उदाहरण क्या हो जाएगा? परिवार के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 77 करा है कि NISAR इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। NISAR इसरो तथा डैश का संयुक्त जो है प्रोजेक्ट है, तो ये हो जाएगा किसका है? NASA का, नासा का। क्वेश्चन नंबर 78 करा, भारत आकार में, देखिए ये जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भारत का भूगोल प्रथम चैप्टर का प्रश्न है। भारत आकार में, तो इसका 78 का क्या हो जाएगा? विश्व का सातवां जो है सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा? रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद कनाडा, उसके बाद आ जाएगा USA, और उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत। तो विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 79 करा है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू हर चना थी व्यू हर व्यू रचना थी देखिए पंचवर्षीय से आपको एक प्रश्न अनिवार्य है जो देखने को मिल जाएगा, तो पंचवर्षीय योजना भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो 79 का ये क्या हो जाएगा? इसमें से सभी हो जाएगा, कृषिगत विकास, उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास, उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास, उन्मुख समृद्धि, ये सभी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न पे आ जाए, 15वीं ईएएस को हम लोग बोलते हैं
ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके अनुसार तो हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन के अनुसार वियतनाम। देखिए इसका क्या किया गया था, सोलहवां जो है, सोलहवां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है, ये कोविड के वजह से कोविड-19 महामारी के वजह से ऑनलाइन जो है आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित हुआ था दारू सलाम, दारुससलाम बुरनई आयोजित हुआ था, तो कोविड-19 के वजह से ये जो है ऑनलाइन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है, पेले का संबंध किस खेल से है। 81 का सही आंसर क्या बन जाएगा, ये फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है, ये भी ज्योग्राफी का प्रश्न है, कर्क रेखा किन किन राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन राज्य से होकर गुजरती है, तो एक तो गुजरात इसमें हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। टोटल अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, मिजोरम से गुजरता है, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा साउथ से वेस्ट की ओर लेते हैं, उसके बाद त्रिपुरा के बाद वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, उसके बाद राजस्थान से गुजरता, उसके बाद गुजरात हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आप छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें सही आंसर क्या बन जाएगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। इससे पीछे भी खेल से संबंधित एक प्रश्न आया था और अभी पूछ ले कि युवा मंत्रालय कार्यक्रम में खेल मंत्रालय किसके पास है, तो अनुराग ठाकुर के पास, अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ चुके, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, साध्य होता है पर कुशल नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 पे जो भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था, ये पारित किया गया था 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किससे दी है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, तो ये दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 88 का है, 55 से 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, भाज्य है, इसको, इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो 5 5 5 में से आपको घटाना है 55 और उसको 5 से डिवाइड करना है प्लस 1 जोड़ना है, तो इसको जब आप घटाएंगे तो ये आएगा आपको 500/1 5+1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100+1 यानी 101 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, भारत
के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य जो है क्या है, मुख्य कार्य जिसका है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, डी आंसर हो जाएगा। 91 पे आ जाए कि अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता प्रभाषित किया जाता है, वह है अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता प्रभाषित किया जाता है वह है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा कि किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंध करे। 92 पे आ जाए, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉर्च। 93 पे आ जाए कि तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या, तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, ये होता है व्यक्तिकरण के वजह से। क्वेश्चन 94 पे आ जाए, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, स्वयं पोर्टल से संबंधित है तो ये है शिक्षा। क्वेश्चन 95 पे आ जाए, आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं, आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सूक्ष्म समाज शास्त्र कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन सोशियोलॉजी से पूछा गया था। क्वेश्चन 96 पे आ जाए, एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, देखिए दिवस से डे से आपको क्वेश्चन आएगा और थीम से भी आएगा, डे दे दिया या थीम पूछ लेगा, और डे से इम्पोर्टेंट है कि आपको कम से कम एक प्रश्न तो देखने को मिलेगा, तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो मनाया जाता है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी, और इस साल का थीम क्या था, क्लोज द केयर गैप 4 फरवरी 2023 का थीम था। क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है, पुरुष वर्गों में चक्का डिस्कस का वजन होता, पुरुष वर्गों में चक्का डिस्कस का वजन कितना होता, 97 का तो ये 2 kg होता। क्वेश्चन पूछा गया था इसका 98 का, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, मिलियन में पूछा गया था, तो ये 10,29 मिलियन इसका आंसर होगा, और 2011 के जनगणना के अनुसार 191,093 फिर से देखिए ना है 2011 के जनगणना के अनुसार 191,093,422। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा कि क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं, क्वाड में कौन से 4 देश को समाविष्ट किया गया है, तो क्वाड में कौन कौन देश शामिल है, एक तो शामिल है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, तो इसमें देख लीजिए मिला के तो आंसर क्या बन रहा है, डी आंसर बन रहा है, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्वाड का स्थापना जो है 2007 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू, देखिए ये भी स्टेटिक जीके का प्रश्न है, स्टेटिक जीके, तो कटी बिहू महोत्सव का आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा असम में। तो टोटल इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों का डिस्कस किया जो कि आधारित था 26/12/2021 के दरोगा के पीटी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न बना था उस प्रश्न, इसमें सारे प्रश्न जो है शामिल है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आता हो,
अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसका जो है बिहार दरोगा के लिए जितना भी प्रीवियस ईयर प्रश्न का डिस्कस करें उसका एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से, वहाँ से जाके आप सिस्टमेटिक वे में वीडियो देख सकते हैं। तो ये रहा वीडियो नंबर सेकेंड, ठीक है। इससे फर्स्ट जो है वीडियो डाला गया है 2022 के पेपर का, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।